क्वेश्चन नंबर 5 में टू सिलेंडर्स, वन हॉलो विच इज़ मेटल एंड अदर सॉलिड वुड विथ सेम मास एंड आइडेंटिकल डायमेंशंस आर साइमल्टेनियसली अलाउड टू रोल विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट. द हॉलो विल रीच बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन फर्स्ट. तो देखो, अगर दोनों सिलेंडर्स का मास सेम है और डायमेंशन सेम है तो इसका मतलब है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने की वजह से उनका जो एक्सीलरेशन आएगा, रोलिंग का एक्सीलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, वो सेम आएगा. तो उस केस में दोनों एक साथ ही नीचे आएंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. अब स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, तो आंसर तो हमको मिल गया डी ऑप्शन, बट स्टिल चलो स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन करते हैं. फिर कह रहा है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ बोथ द सिलेंडर्स आर आइडेंटिकल व्हेन दे रीच बॉटम ऑफ द इंक्लाइन. तो सही बात है, क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का जो सम होगा वो एम जी एच के इक्वल होगा, एच जिस हाइट से वो छोड़े गए हैं, तो दोनों का सेम ही होगा. तो आंसर इसका डी हो जाएगा.